इस वक्त आज हम एक बहुत ही संजीदा टॉपिक लेके यहां पर आए हैं, और टॉपिक है कि आखिर वो बच्चे क्या करें जो अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं। हजारों की तादाद में मुझे ये मैसेज मिले हैं कि सर, साल भर कुछ नहीं किया, अब क्या करें। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि हाथ छोड़ने वालों में से तो खैर हम नहीं हैं। अभी तक आपने कुछ नहीं किया, अब एग्जाम है और अंदर से आवाज आती है कि भाई अब तो कुछ करना है। कई तरह के लोग होते हैं जो आज जो जिनसे आप ये कहेंगे कि भाई आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, आप क्या करें क्या ना करें, वो कहेंगे भाई कुछ नहीं हो सकता। अरे, हम कहेंगे कि चलो कोई नहीं, कितने भी दिन सही, आप अगर तैयार हैं तो अब भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन जरूरत है आपको गमुदास नहीं बनना, आपको हसीन ख्वाब और खुश मिजाज बच्चा बन के रहना है। याद होगा आपको, कल हमने वीडियो लेक्चर अपलोड किया था, उसमें तीन बच्चे इंट्रोड्यूस किए थे। गमुदास जो परेशान रहता है, हसीन ख्वाब वो बच्चा था जो हमेशा अपने ख्वाबों की दुनिया में रहता है, उससे कभी बाहर नहीं निकलता, और खुश मिजाज वो बच्चा था जो ये अपनी रियलिटी में रहता है और रियलिटी के हिसाब से काम करता है। तो हम आपको गमुदास तो कम से कम नहीं रहने देंगे, आपको हसीन ख्वाब बनना है, आपको खुश मिजाज रहना है। अब मिनिमम में अब ऐसे बच्चे क्या करें। देखो, टॉपर बच्चा तो सब कुछ कर लेगा, उसके साथ दुनिया खड़ी है, लेकिन जो बच्चा अब तक कुछ नहीं कर पाया वो क्या करेगा? क्या वो कुछ भी नहीं करेगा? नहीं, मैं बताता हूं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर कम से कम इतनी पोर्शन को अगर आप कर लेंगे तब डेफिनेटली आप अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे अच्छे मार्क्स से। हमारे साइंस सब्जेक्ट की खास बात है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स भी ऐड होने हैं, थ्योरी के भी ऐड होने हैं, और मार्किंग स्कीम के हिसाब से प्रैक्टिकल में 25 के अराउंड तो ऑलमोस्ट हर बच्चे के मार्क्स लगने हैं। अगर आपने रिकॉर्ड पूरा मेंटेन किया है, आपने प्रैक्टिकल लिखा है, तो 25 तो लगने ही। चलो तकदीर खराब हुई, बाय चांस हम मान लें तो 22 लग जाएंगे, अदरवाइज 25 के अराउंड तो नंबर लगना ही है। अब बात है कि थ्योरी में क्या करें। थ्योरी में अगर आपने बुक की शुरुआत से ही बुक पकड़ ली कि शुरुआत के चैप्टर अगर आपने देख लिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको उसी काम को डिफरेंटली करना होगा। जैसे सक्सेसफुल इंसान के बारे में कहते हैं कि वो डिफरेंट काम नहीं करता, वो डिफरेंटली काम करता है, उसी तरह से आप भी डिफरेंटली काम करेंगे। आप बुक को आगे से नहीं पीछे से करेंगे, और आपका डायलॉग होगा कि जहां से तुम्हारी बुक शुरू होती है वहां से जहां तुम्हारी बुक खत्म होती है वहां से हमारी बुक शुरू होती है। देखो, मैं भी उलझ गया, मैं भी अपने पुराने डायलॉग पे आ रहा था कि जहां से तुम्हारी बुक शुरू होती है एटसेट्रा। आपने ये कहना है जहां से तुम्हारी बुक खत्म होती है वहां से हमारी बुक शुरू होती है, यानी जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, जहां से तुम्हारी बुक खत्म होती है वहां से हमारी शुरू होती है। इन चीजों को आपने करना है। सबसे पहले आपने पॉलीमर चैप्टर को करना है, पॉलीमर्स का चैप्टर आपने करना है, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है, 7-8 क्वेश्चन हैं, कोई भी बच्चा इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर लेगा। 3 से 4 नंबर का एग्जाम में आएगा, बहुत आसान। आप चाहे साल भर नहीं पढ़े, हार्डली 1 आवर का समय लगेगा, आप इसे पढ़ डालोगे। उसके बाद आपने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का चैप्टर करना है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और इसमें भी आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को या जो भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट मार्क हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आपने करने हैं, और ये भी 7-8 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है, 3 से 4 नंबर की वेटेज इसकी है। 2 चैप्टर करने के बाद ऑन द एवरेज बेसिस पे भी लगा लें, आपके मार्क्स 6 to 8 मार्क्स के बीच में, आप बहुत आसानी से पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। अगर आपने इसमें प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम पिछले 7 सालों के अंदर आई थी प्रॉब्लम्स को अगर आपने कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए, आपने जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन या एक्सट्रैक्शन का जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर भी प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स, जैसे डेप्रोसेंट किसे कहा जाता है वो आपने करना है, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन आपको करना है, एलिंगम डायग्राम के बेसिस पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो करने हैं, वेपर फेस रिफाइनिंग जिसमें मॉन्स प्रोसेस, वेंडी अर्कल प्रोसेस दिया गया है वो आपने करना है, जोन रिफाइनिंग, 5-6 चीजें बताई हैं मैंने,
रिवाइंड कर करके देखिएगा, ये चीजें आपको करनी है और ये चैप्टर भी 3 से 4 मार्क्स के बीच में आपकी हेल्प करेगा। ये तीनों अगर चैप्टर आपने कर लिए तो आप 10 से लेकर 14 नंबर तक के बीच आराम से स्कोर कर पाएंगे, इतना नंबर आराम से आ पाएगा। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ये हमने कल के वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, ये एक्सट्रैक्शन का पार्ट आपको यहां पर करना है। इसके बाद आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर वही पिछले 7 सालों की प्रॉब्लम। देखिए, अगर आपने टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर तो आप चैप्टर पूरा पढ़ें। ये मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बता रहा हूं जो इस वक्त ऐसे हालात में खड़े हैं कि भैया आप कुछ नहीं हो सकता, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, एटसेट्रा वाली बात है। उन बच्चों को पिछले 7 सालों में आई प्रॉब्लम इन चैप्टर में से करनी है और ये भी आपका 4 से 6 मार्क्स में वेरी करेगा, डेविएट करेगा। और इस तरह से हिम्मत करते करते हम 18 नंबर के आसपास गेन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें नंबर डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप प्रीवियस 7 ईयर्स की प्रॉब्लम याद कर लेंगे और हर एक चैप्टर की प्रॉब्लम याद करने में हाफ एन आवर और 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर इतना समय आपको लगेगा, उससे ज्यादा का समय आपको नहीं लगेगा, ये ध्यान रखो, लेकिन करना पड़ेगा। इसके बाद बारी आएगी डीएनएफ ब्लॉक की। डीएनएफ ब्लॉक अगेन वही एनसीईआरटी इंपॉर्टेंस और पिछले 7 सालों की प्रॉब्लम, ये भी अगर आपने यहां पर कर लिया तो डेफिनेटली 4 से 5 नंबर के बीच में 16 मार्क्स पहुंच चुके थे हम, 4 से 5 और ले लिए, 20 के अराउंड, 23 पास होने के लिए चाहिए, 20 के अराउंड आप यहां पर आ चुके हैं। और फिर आपको करना है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर डेंसिटी का न्यूमेरिकल है जिसमें से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आना है, डिफेक्ट्स में से क्वेश्चन आना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वगैरह, इनमें से क्वेश्चन, यानी यहां पर भी प्रीवियस 7 ईयर की प्रॉब्लम से बात बन जाएगी, गुजारा हो जाएगा, आप उसे भी यहां कर पाएंगे। और ये भी 3 से 5 नंबर के बीच में वेरी करता है, यानी 23 नंबर का सामान यहां पे हो चुका है और इसे करने में आपको 6 घंटे या 7 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, लेकिन करना होगा। अगर आप करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, या जो बच्चे हमारे पास व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, उन बच्चों के पास हम जो क्वेश्चन भेजेंगे वो क्वेश्चन और प्रीवियस 7 ईयर के क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, गंगा पार हो जाएगी, आप आसानी से आगे निकल पाएंगे। और उसके बाद 7th नंबर पे आप कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसकी पिछले 7 ईयर्स की प्रॉब्लम जो आसानी से याद हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप कर सकते हैं जो कि सिंपल याद करने की है, कोई खासी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी याद कर लेंगे, 3 से 4 नंबर और यहां पर बढ़ेगा और ये बहुत आसानी से हो सकता है, ये कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद बारी आनी चाहिए आपके पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो चुका है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स में से अगर ज्यादा कुछ ना कर पाए, अर्हेनियस इक्वेशन कर लें, अर्हेनियस इक्वेशन और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कर लें, इतना कर सकते हैं जरूर करें। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस याद कर लें और पिछले 5 सालों की प्रॉब्लम्स कर लें। अरिनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस और पिछले 5 सालों की प्रॉब्लम अगर आप कर लेंगे इस चैप्टर में से, तो इस चैप्टर का भी क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाएंगे, आप बड़ी आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कर लेना है। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी हमने वीडियो लेक्चर में बता रखे हैं, आप पिछले 2-3 दिन पहले का वीडियो लेक्चर देखेंगे तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट 4-5 हैं, उनमें से डेफिनेटली आपको 2 टेस्ट मिलेंगे, वो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आप कर लीजिए। और नेम रिएक्शन, जो भी नेम रिएक्शन आपके पास है, मैं नाम बोलता हूं, रिमर टिमन रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन और उसके अलावा हॉफमैन ब्रोमामाइड कार्बाइलामीन रिएक्शन, इन रिएक्शंस को आप अच्छे से याद कर लो। 6-7 रिएक्शन है, 7-8 रिएक्शन है, बहुत आसानी से याद कर सकते हो, डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन मिलेगा।
डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में से क्वेश्चन मिलेगा, काइनेटिक्स में से जितना बताया उसमें से क्वेश्चन मिलेगा। तो ध्यान रखें, अगर आपने कम से कम इतना फॉलो कर लिया जो कि आप कर सकते हैं अगर आपने पहले कुछ नहीं भी किया है, लेकिन देखिए रोना नहीं है, गम उदास नहीं बनना है, आपने आपने हसीन ख्वाब और खुश मिजाज बनना है, खुश मिजाज बनना है। जैसे भी हालात जिंदगी में आए उन हालात में मैक्सिमम बेटर बनने की कोशिश करनी है। कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप बन पाओगे, और ये कोशिश जरूर करेंगे, कोशिश जारी रहेगी। और हर एक बच्चा चाहे वो बिल्कुल ना पढ़ा हो, इतना पोर्शन करके डेफिनेटली पास हो सकता है, ये कॉन्फिडेंटली मैं आपसे कह सकता हूं। और मुझे अगर कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली आप इस बात को कर पाएंगे। तो बच्चों याद रखना, ए वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता वक्त बदल जाने में, कभी भी वक्त बदल सकता है, तैयार रहिए और हंसते मुस्कुराते हुए एग्जाम की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।